एहसास कर रहे होंगे कि आज प्रधानमंत्री जी का चुनावी दौरा था और हम लोगों का भी आज 5-6 कार्यक्रम था, उसलिए आज शाम देर हो गई। लेकिन हमको लगा कि आज आप लोगों को बुला करके कुछ बिंदुओं पर जो कि प्रधानमंत्री जी ने रखने का काम किया है उस पर हम लोग जो है गौर करें। जो कुछ उम्मीदें जो बिहार की थी, जो बातें देश के प्रधानमंत्री जी से बिहार के नौजवान, गरीब, मजदूर, किसान सुनना चाह रहे थे, उस पर हम आप लोगों का थोड़ा नज़र गौर आप लोगों का कराएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कुछ लोगों के लिए माहौल जो है बनाया जा रहा है, यानी साफ तौर पे ये इशारा मेरे लिए था। हम तो एक अदना सा ठेठ बिहारी हैं जो कि बिहारियों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, मजदूरों की सम्मान की बात कर रहे हैं। आप देखिएगा, अगर युवाओं की जो आकांक्षाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, अगर हम उससे कदम ताल मिलाकर के चल रहे हैं और दूसरी तरफ 70 वर्षीय नीतीश कुमार जी हैं, मोदी जी हैं, जहां फासला लगभग 2 पीढ़ी का है, लगभग 2 पीढ़ी का है, अगर वो बिहार के नौजवान युवाओं की उम्मीदें अपेक्षाओं दरकिनार करते हैं, भांप नहीं पाते हैं, तो इसमें गलती किसकी है? साफ तौर पर अगर आप देखें तो 2 पीढ़ी का अंतर है। मेरे पिता और मेरे में भी उम्र का बड़ा फासला है। कई बार होता है कि उनकी जो राय हो वो मेरी जो राय हो सकती है अलग हो, लेकिन हमारे लिए तो बिहार का जो राय है वही सर्वोप्रिय है। तो अगर हम नौजवानों की, किसानों की, मजदूरों की, बिहारियों की हित की बात कर रहे हैं, कारखाने की बात कर रहे हैं, और वो इस चीज़ को एहसास नहीं कर पा रहे, जो लगभग 2 पीढ़ियों का फासला है 70 वर्षीय नीतीश कुमार जी और मोदी जी में, तो इसमें गलती किसकी है? इस दौर में भी नीतीश कुमार जी इन युवाओं को ब्लैक एंड वाइट टीवी दिखाना चाहते हैं, ब्लैक एंड वाइट टीवी दिखाना चाहते हैं, और हम 24 इंच और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में ले जाना चाहते हैं। 24 इंच टीवी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में ले जाना चाहते हैं। अब आप देखिएगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार बिहार में लगभग 15 वर्षों से है, सत्ता में है, लगातार सुशील मोदी जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार के रहे हैं। अब वो बात कर रहे हैं फैक्ट्री की, नौकरी की, उद्योग की, कारखानों की। हम तो चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी से जरा मोदी जी पूछे कि भाई ये 15 साल बाद नींद क्यों खुला है? 15 साल से तो आप सरकार में हो, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और आज आप बात कर रहे हैं उद्योग की, कारखाने की, नौकरी की। तो ज़रा मोदी जी नीतीश कुमार जी से पूछ के बताएं कि 15 साल बाद उनका नींद क्यों खुला। अब एक एक करके हम कुछ सवाल जो है आप लोगों के सामने रखेंगे। मोदी जी 2015 में नीतीश जी के 35 घोटाले का एक भाषण के दौरान लिस्ट जारी किया था, बकायदा खुद पढ़ा भी था। 2015 के चुनाव में लगभग 35 नीतीश जी के घोटाले
मोदी जी ने एक चुनावी जनसभा किया था। अब हम मोदी जी को बताना चाहेंगे 35 के अलावा 25 और जुड़ गए हैं, 35 के अलावा और जुड़ गए, यानी कुल घोटाले जो सरकार खुद मानती है कि घोटाले हुए हैं उसका आंकड़ा लगभग, क्योंकि बिहार की जनता सुनना चाहती थी। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री जी को ये बताना चाहिए था कि नीति आयोग के सारे सूचकांक में, चाहे शिक्षा स्वास्थ्य हर जगह, बिहार सबसे फिसड्डी राज्य क्यों है। बिहार की जनता ये सुनना चाहती थी, क्योंकि प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है नीति आयोग का, तो बिहार सबसे फिसड्डी राज्य इस देश में क्यों है, इस पर उन्होंने क्यों नहीं बोला कुछ। आयुष्मान भारत योजना के तहत बिहार पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार को एक रुपया भी आवंटन नहीं किया गया, जिस योजना के बारे में ढिंढोरा पीटा जाता है देश भर में, आयुष्मान भारत योजना, पिछले वित्तीय वर्ष एक पैसा बिहार को क्यों नहीं दिया, ये भी बिहार के लोग सुनना चाहते थे। और हाँ, विशेष राज्य के दर्जे के बारे में कब तक बिहार को विशेष राज्य के दर्जे से वंचित प्रधानमंत्री रखेंगे, इस पर भी कोई चर्चा नहीं की गई। लेकिन बिहार के लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, बिहार को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो विशेष राज्य के दर्जे के बारे में ज़रूर कुछ कहेंगे। आप देखिएगा बीजेपी के लोग क्या कह रहे हैं, अभी 19 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं, 19 लाख रोजगार पैदा करने के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, हम जो हैं नौकरी देना चाह रहे हैं, सरकारी नौकरी 10 लाख, प्राइवेट जॉब जब इंडस्ट्री आएगी, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगेंगे, कारखाने लगेंगे, कृषि के क्षेत्र में जब होगा तो उसका वो अलग है आंकड़े। हमने केवल यही बोला है कि 10 लाख सरकारी नौकरियां, हम तो समय बता रहे हैं, पहला कैबिनेट में पहला कलम से 10 लाख सरकारी नौकरी। ये जो 19 लाख का जो वादा कर रहे हैं, ये करेंगे रोजगार का, ये रोजगार सरकारी नौकरी नहीं, अफसर बनाए जाएंगे। तो 15 साल में कौन सा इन्होंने अफसर बनाए रोजगार की, कौन सा अफसर बनाया गया 15 साल में, ये उनको बताना चाहिए था। अब आप देखिएगा, बीजेपी किसी भी अपने राज्य में, जहां भी उनकी सरकार है, जिस राज्य में भी, अगर 5 साल में अगर 5 लाख नौकरियां भी दी है तो बता दें, जितने बीजेपी रूलिंग स्टेट्स हैं, जहां जहां बीजेपी की सरकार है, जिन जिन राज्यों में, अगर उन राज्यों में भी अगर 5 सालों में अगर 5 लाख नौकरियां दी गई हैं, तो प्रधानमंत्री जी जरा हमको बताने का काम करें। या विगत 6 वर्षों से 6 लाख भी रोजगार अगर केंद्र की सरकार ने भी अफसर बनाए हैं, नौकरियां, सरकारी नौकरियां दी हैं, तो ज़रा बताएं। 2014 में लोगों को वादा किया गया था कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा, तो कहते अब तो 6 साल हो गया, 14 से 20, कम से कम 6 लाख भी अगर रोजगार की, जब यूपीए की सरकार थी 2004 से 2009 रही, तो उस समय यूपीए की सरकार ने 1,44,000 करोड़ का पैकेज दिया था, 1,44,000 करोड़ का पैकेज दिया था, जिसमें कि लाखों करोड़ों नौकरियां भी देश भर में दी गई थी। रेलवे में ही तकरीबन, जब रेल मंत्री लालू जी थे,
तो लाखों लोगों को लालू जी ने रेलवे में रोजगार दिया, रोजगार ही नहीं दिया बल्कि बिहार में तीन तीन कारखाने रेलवे के लगाए, छपड़ा, मढ़ौड़ा, परसा, मधेपुरा। इन 5 सालों में यूपीए के हम बताना चाहते, लेकिन इस 6 साल में कितना मिला। और ये भी जानकारी प्रधानमंत्री जी को दे दें कि यूपीए की सरकार में केंद्रांश का लगभग 90% लगता था और बिहार जैसे राज्य का 10% लगता था। अब क्या हो गया, 50-50 हो गया है। बिहार गरीब है, यानी 50% कोई भी योजना का 50% बिहार सरकार देती है, लेकिन पहले केवल 10% बिहार सरकार देती थी, ज्यादा भार केंद्र उठाती थी। उस समय विद्युतीकरण में ही योजना में देख लीजिए, अब नाम बदल दिया गया, दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना कर दिया गया और भार जो है लगभग 50-50 का हो गया। उस समय रघुवंत जी थे, मनरेगा मिला, रोजगार के अवसर पैदा किए गए, कई किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनाए गए, गांवों को सड़क से जोड़ने का काम किया गया यूपीए में। लेकिन इस पे क्या प्रधानमंत्री जी को जानकारी है भी कि नहीं कि 1,44,000 करोड़ का पैकेज मिला। तो इस बार कौन सा पैकेज का जरा हिसाब जरा दे दे, पैकेज जो दिया भी है कि नहीं दिया। बाढ़ आई, लगभग 85 लाख आबादी इफेक्ट हुई बाढ़ के लिए, सुखाड़ के लिए। लोग सुनना ना चाहते थे बिहार के लोग कि भाई प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, बाढ़ का तो इंटरनेशनल इश्यू है, नेपाल से पानी छोड़ा जाता है आता है, इसके लिए क्या था। इस पे तो उन्होंने कोई भी चर्चा प्रधानमंत्री जी नहीं किया। और आपको आखिरी बात हम याद दिला दें कि 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने मोतिहारी में सभा की थी, तो वहाँ जो चीनी मिल जो बंद पड़ा हुआ है उसकी चर्चा की थी कि भाई हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो यहीं की चीनी का चाय हम जब भी आएंगे तो पिएंगे। उसके बाद कई बार मोतिहारी गए लेकिन उस चीनी मिल से खुला नहीं, कोई धुआं नहीं निकला। लेकिन हम वादा करते हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी, जितनी चीनी मिले हैं, जूट मिले हैं, पेपर मिले हैं जो बंद पड़े हैं अलग अलग प्रमंडलों में, अलग अलग कमिश्नरी में, उसको हम लोग चालू करवाएंगे, खोलवाने का काम करेंगे। लेकिन इन बिंदु पे हम लोगों को लगता है कि जवाब जरूर, उम्मीद है कि जवाब मिलना चाहिए। मुद्दे की बात होनी चाहिए, किसान की बात होनी चाहिए, नौजवान की बात होनी चाहिए, रोजगार शिक्षा की बात होनी चाहिए, अस्पतालों की बात होनी चाहिए, बदहाली की बात होनी चाहिए, किस किसान के लिए क्या है, नौजवान के लिए क्या है, मजदूर के लिए क्या है, प्लान रोकेंगे कैसे, गरीबी कैसे मिटाएंगे, भूखमरी को कैसे खत्म करेंगे, कारखाने कब लगवाएंगे। मेरे ख्याल से इन मुद्दों पे चर्चा करनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री जी को लगता है कि हवा बनाया जा रहा है मेरे लिए, तो हम तो जो लोगों की, बिहार की जो ज़रूरत है, जो उम्मीद है, जो आशा है नौजवानों की, अगर उन चीज़ों पे हम अपना, उन समस्याओं का हल हम बता रहे हैं, और जो इतनी 70 वर्ष जो पीढ़ियों का जो अंतर है, तो इसमें किसकी गलती है कि भाई इसका आभास नहीं हो रहा उन लोगों को कि भाई बिहार को क्या ज़रूरत है। जहाँ तक हमें लगता है कि चर्चा इन विषयों पे होनी चाहिए, काम समाधान इस पे होना चाहिए।
बड़ी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी नीतीश कुमार जी से पूछ के ज़रूर हम लोगों को सूचित करेंगे, बिहार के लोगों को, बिहार के नौजवानों को, कि अब कारखाने, नौकरी, फैक्ट्री की बात जो की जा रही है वो 15 साल पहले क्यों नहीं की गई, नींद से 15 साल बाद बिहार के मुख्यमंत्री क्यों जा रहे, ये हम उम्मीद करते हैं। अगर इनसे जुड़ा हुआ कोई सवाल है आप लोगों के पास तो पूछ सकते हैं। एक हम बात बता दें कि लोग जो हैं गुस्से में नहीं है, गुस्से में नहीं है, बल्कि मौजूदा सरकार से नफरत करने लगे हैं, ये भारी अंतर है। और लोगों की उम्मीदें जो हमने विकल्प दिया है, जो अपना विजन बिहार के सामने रखा है, उससे लोगों की आशाएं उम्मीदें बढ़ी हैं, लोगों का विश्वास हम पर बना है, उनको ये लगता है कि ये नौजवान हमारी बात को समझ रहा है, उठा रहा है, ये जो कहेगा वो करेगा। और हमने संकल्प पत्र में भी लिखा है, संकल्प बदलाव का जो कि सच होने वाला है। विवाद देवी पे कौन सा आपराधिक मामला है? देखिए, जो भी टिकट जिसको मिला सुप्रीम कोर्ट के सारी गाइडलाइंस को मानते हुए मिलता, अगर आप दूसरी तरफ अगर आप बात करें तो आप चले जाइए मंजू वर्मा जी को टिकट मिला, जो गोपालगंज के वैकुंठपुर वाले अमरेंद्र पांडे हैं उनको मिला, धूमल सिंह जी की वाइफ को टिकट मिला, ऐसे कई नाम हैं। मेरे ख्याल से कई मामले न्यायालय में पेंडिंग हैं, जब तक अंतिम जजमेंट नहीं आ जाता आप किसी को गुनहगार नहीं मान सकते। चले, एक बात समझिए ना, हास्यास्पद बातें हैं। अब बात कर रहे हैं रोजगार की, अब बात कर रहे हैं फैक्ट्री की, तो 15 साल पहले क्यों नहीं हुआ? पहली बात, एक बात समझिए, जब नौकरी की जब बात, रोजगार की बात जब की जा रही है तो हमारे रोजगार नौकरी में अंतर है। हम सरकारी नौकरी 10 लाख दे रहे हैं, वो नौकरी दिलाने की बात कर रहे हैं, अवसर पैदा कराने की बात कर रहे हैं, समय नहीं बता रहे कब करेंगे, ये नहीं बता रहे। कुछ दिन पहले नीतीश कुमार जी ने हास्यास्पद कहा था मेरी बात को लेकर के, अब बिहार का एनडीए का चेहरा कौन है मुख्यमंत्री पद का? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी ने तो हाथ खड़े कर दिए कि लैंडलॉक स्टेट है, कारखाने नहीं लग सकते और नौकरियां तो 10 लाख हास्यास्पद है। बीजेपी कहती है कि हम 19 लाख जो है रोजगार देंगे, कौन करेगा? नीतीश कुमार करेंगे कि बीजेपी करेगा? मुख्यमंत्री कौन होगा? उनका जो मुख्यमंत्री होगा उसने तो हाथ खड़े कर दिए। तो ये बेवकूफ बनाने की बात है, जुमलेबाजी है। इस पे जो हमने उत्तर की अपेक्षा की है, जो सवाल पूछे हैं वो मिलना चाहिए। बस एक प्रतिबद्ध प्रेस कॉन्फ्रेंस था, बस मैं एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार एवं जिलाध्यक्ष के पत्र के अनुशंसा में के आलोक में पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के विरोध चुनाव लड़ने तथा दल विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने के कारण पद एवं पार्टी से निम्नलिखित व्यक्तियों को 6 वर्षों के लिए निष्कासित किया जाता है। श्री राजेश कुमार पूर्वी चंपारण, मोहम्मद जफर आलम सहरसा, मोहम्मद नेमतुल्ला गोपालगंज, श्री सुरेंद्र कुमार राय मुजफ्फरपुर, श्री लक्ष्मी नारायण प्रसाद यादव पूर्वी चंपारण, श्री अंबिका सिंह यादव कैमूर, श्री कृष्णा कुमारी यादव खगड़िया, श्री प्रकाश चंद्रा औरंगाबाद, श्री धर्मेंद्र चंद्रवंशी औरंगाबाद,
श्री गोपाल कृष्ण चंदन यादव खगड़िया, श्री महेंद्र यादव नालंदा, श्रीमती प्रेमा चौधरी नवादा, श्री शंकर राय मुजफ्फरपुर। धन्यवाद। जय हिंद। सुशील मोदी का ट्वीट है।